इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है जो हमें बताता है कि एक पॉलीनोमियल दूसरे पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सो फैक्टर थ्योरम एक्चुअली हमारे पास ये है कि द पॉलीनोमियल x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक पॉलीनोमियल x माइनस a हो, वो फैक्टर होगा किसी दूसरे पॉलीनोमियल f ऑफ x का अगर हमारे पास f ऑफ a जो है वो जीरो होगा। f ऑफ a जीरो मतलब कि x इज इक्वल टू a जो है वो रूट होगा f ऑफ x का। अगर किसी पॉलीनोमियल f ऑफ x में हमने बताना होगा कि कोई भी x माइनस a कोई भी हो सकता है, वो उसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, उस पॉलीनोमियल में x की जगह पे a रिप्लेस कर देंगे। और अगर उस पॉलीनोमियल का आंसर हमारे पास जीरो आएगा तो इसका मतलब है कि x माइनस a वाला जो पॉलीनोमियल है वो फैक्टर है f ऑफ x पॉलीनोमियल का। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा कि f ऑफ x होता है हमारे पास x माइनस a इंटू g ऑफ x प्लस R, जिसमें हमारे पास g ऑफ x जो है ये कोशेंट है, ये डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, रिमाइंडर है। अगर हमारे पास f ऑफ a जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो भी जीरो होगा, क्योंकि f ऑफ a जो है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। सो f ऑफ x आ जाएगा x माइनस a इंटू g ऑफ x, जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर है इस f ऑफ x का। अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है के शो दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब ये एक हमारे पास पॉलीनोमियल है f ऑफ x, इसमें हमने चेक करना है कि x माइनस टू जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। सो दिस इज f ऑफ x एंड x माइनस a इज x माइनस टू। सो यहां पे अगर हम x माइनस a और x माइनस टू को कंपेयर करें तो a हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम यहां पे चेक करेंगे f ऑफ 2, अगर तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इस पॉलीनोमियल का। और अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। x की जगह पे 2 पुट करते जाएंगे, दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर 4 माइनस 13
into 2 square plus 36, ये हमारे पास हो जाएगा 16 minus 52 plus 36, जो कि बन जाएगा 52 minus 52, which is equal to 0. अब हमारे पास f of 2 जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास x minus 2 जो है वो फैक्टर है x raised to power 4 minus 13x square plus 36. इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. अगर तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट इज द सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम जो बड़े पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाई पावर होती है उनको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, और बड़े ही सिंपल तरीके के साथ हम ये डिवीजन करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उससे हम सिंथेटिक डिवीजन को सीखते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हमने इस पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 4 माइनस 10x रेज टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 और इसको डिवाइड करना है किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, अगर हम सिंपली डिवीजन से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये काफी लंबा और काफी मुश्किल प्रोसीजर होगा. सो सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हमें एक शॉर्टकट मेथड बताता है जिसके हमने जो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हायर है उनको कैसे सिंपली से या आसानी से हमने उनको डिवाइड करना है. सो पहला स्टेप सिंथेटिक डिवीजन में ये होगा कि राइट द कोफिशिएंट्स of dividend in decreasing order. Decreasing order में हम इसके coefficients लिखेंगे और 0 उस coefficient की जगह पे लिख देंगे जो हमारे पास present नहीं होगा. मिसाल के तौर पे अब इसमें x raised to power 3 जो है वो नहीं है. So इसके coefficients सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 0, minus 10, minus 2 and 4. Coefficients decreasing order में जब हम लिख लेंगे, so दूसरा step ये होगा कि जिस polynomial से हम इसको divide करना चाहते हैं उसको compare करेंगे x minus a के साथ. जब हम इस x plus 3 को compare करेंगे x minus a के साथ तो a यहां पे हमारे पास आएगा minus 3. So जब x minus a के साथ compare करेंगे और जो हमारे पास a की value होगी उसको यहां पे left पे लिख देंगे minus 3. Next, ये जो हमारे पास पहला कोफिशिएंट होगा वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा. देन उसके बाद इस माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख देंगे, और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे 0 प्लस माइनस 3 माइनस 3,
जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री, दिस विल बिकम नाइन. नाइन को यहां पे लिख देंगे, देन इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस वन. जो आंसर आएगा उसको फिर इस माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम थ्री. इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस थ्री के साथ और उसका आंसर यहां पे लिख देंगे, दिस विल बिकम वन. अब ये जो वन है ये हमारे पास रिमाइंडर है. लास्ट टर्म जो राइट पे होगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगी. देन ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं और ये हैं हमारे पास एक दो तीन चार. ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर थ्री तक जाएंगे क्योंकि एक कांस्टेंट होगा और बाकी जो होंगे वो हमारे पास. अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा. ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब. चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके इस तरफ से हम लिख लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर से इस तरफ में लिख लें. सो दिस इज द क्वेश्चन. सिंपली से हमने एक पॉलीनोमियल को दूसरे से डिवाइड कर दिया जिनकी हमारे पास डिग्री जो थी वो फोर थी और इसको अगर हम सिंपल तरीके से डिवाइड करते तो हमें एक बहुत लंबा प्रोसीजर जो है वो करना पड़ता. सो सिंथेटिक डिवीजन जो है ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम हायर डिग्री पॉलीनोमियल को किसी भी दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं. सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हम यह भी बता सकते हैं कि कोई पॉलीनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर है या नहीं है. मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इफ x माइनस टू एंड x प्लस टू आर फैक्टर्स ऑफ x रेज टू पावर फोर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस 36. यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द अदर टू फैक्टर्स. अब ये हमारे पास पॉलीनोमियल है एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक्स रेज टू पावर फोर माइनस 13 एक्सक्वेयर प्लस 36. सिंथेटिक डिवीजन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और जो कोफिशिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते उनकी जगह पे जीरो इंसर्ट करते हैं. सो यहां से हम स्टार्ट लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वन फॉर एक्स रेज टू पावर फोर, जीरो फॉर एक्स रेज टू पावर थ्री, माइनस 13 फॉर एक्स रेज टू पावर टू, जीरो फॉर एक्स एंड 36 फॉर कांस्टेंट. देन लेफ्ट पे हम जिस पॉलीनोमियल से डिवाइड करना होता है उसको कंपेयर करते हैं एक्स माइनस ए के साथ. यहां पे अगर पहले हम इसको कंपेयर करें एक्स माइनस टू को एक्स माइनस ए के साथ, सो हेयर ए विल बी 2. सो इस 2 को हम यहां पे लिखेंगे. पहली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 2. दोनों को ऐड करेंगे दिस विल बिकम 2. इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 4
माइनस 13 प्लस 4 ऐड करेंगे माइनस 9, माइनस 9 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज माइनस 18, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 18, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम माइनस 36 एंड 0। जो हमारे पास राइट मोस्ट टर्म होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, सो रिमाइंडर इज 0 विच शोज दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। देन हमारे पास दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, x प्लस 2 को कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ, सो हेयर a विल बी माइनस 2। तो माइनस 2 से अब हमने इसको डिवाइड करना है, सिंपली माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 एंड 2 प्लस माइनस 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 0, दोनों को ऐड किया तो ये माइनस 9, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 विच इज 18, दोनों को ऐड किया आंसर 0। अगेन हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, जो हमें ये शो करता है कि ये हमारे पास एक फैक्टर है इस पॉलीनोमियल का, कि x प्लस 2 जो है वो भी एक फैक्टर है x रेज टू 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 का। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को अब हम अगर लिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे 1, 2, 3, तीन हमारे पास कोफिशियंट्स हैं, मैक्सिमम x रेज टू पावर 2 तक जा सकते हैं, सो दिस विल बिकम x रेज टू पावर 2 प्लस 0x माइनस 9, या जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 9। अगर x स्क्वायर माइनस 9 को हम सॉल्व करें सिंपल अलजेब्रा के साथ तो ये हमारे पास होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, सो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 आर दी अदर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल x रेज टू 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए फैक्टर्स भी चेक कर लिए कि कौन से जो हैं वो फैक्टर्स हैं। इस लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम को स्टडी किया जो कि हमें यह बताता था कि कोई एक पॉलीनोमियल किसी दूसरे पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं। उसके साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन को भी स्टडी किया। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का, जिसमें हम हायर डिग्री पॉलीनोमियल्स को दूसरे पॉलीनोमियल्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक इजी मेथड है। सो इससे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इसी टाइप के हैं, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम यूज हो रहा होगा, फैक्टर थ्योरम यूज हो रहा होगा और सिंथेटिक डिवीजन का यूज होगा।